हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बी योरसेल्फ। और मैं हूँ ज़ेबा। आज मैंने लुक किया है एक बंगाली लुक। सो ये है एक दुर्गा पूजा लुक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने कैसे क्रिएट किया है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट आई नीड टू मॉइस्चराइज माई स्किन। और अभी वेदर ऐसा हो गया है ना, स्किन ड्राई ड्राई सी फील होने स्टार्ट हो गई है। सो मॉइस्चराइज करना बहुत और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सो मैं अपना गुड वाइब्स का रोजिप ऑयल यूज़ कर रही हूँ, जिससे मेरी स्किन और ज़्यादा अच्छे से नरिश हो जाए। काजे बहुत अच्छा सीरम है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है और चिपचिपी फीलिंग बिल्कुल भी नहीं देता है। आपकी स्किन को बहुत अच्छा सा ग्लो देता है। सो हाईली रिकमेंडेड। हम एक ग्लोई लुक करने वाले हैं, सो उसके लिए हमारी स्किन को ग्लो करना बहुत ज़रूरी है। लगाने के बाद इसको अच्छे अच्छे से आप डैप डैप कर लेंगे, ताकि ऑयल आपकी स्किन में अच्छे से मॉइस्चराइजिंग हो गई है। सो हमारी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो गई है। एंड नेक्स्ट आई एम यूजिंग अ प्राइमर, इट्स अ बेस पेपर एल्यूमिनेशन मेकअप बेस। हमारी स्किन को बहुत अच्छा सा ग्लो देता है। इसमें हल्का सा शिमर है, जिससे हमारी स्किन बहुत ग्लोई लगती है। जस्ट डैप डैप, ताकि स्किन अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट इज़ फाउंडेशन। और फाउंडेशन के मैं यहाँ अपने दो फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ। फर्स्ट इज़ फिट मी इन द शेड 105 नॉर्मल टू ऑयली स्किन। एंड ये है मेरा लैक्मे एब्सोल्यूट। इन दोनों को मैं अच्छे से आपस में मिक्सअप करूँगी, तो बहुत अच्छा सा एक शेड निकल के आता है, जो मेरी स्किन के साथ बहुत अच्छे से जाता है। सो मैं इन दोनों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सो मैं दोनों शेड को आपस में मिक्सअप करके और मैं इसको अपने फेस पर डैब डैब कर लूँगी। अगर एक शेड है आपकी स्किन की टोन से डार्क है और एक है लाइट है, तो आप उन दोनों शेड को आपस में मिक्स करके यूज़ करें। डेफिनेटली वो आपके फेस का शेड बन जाएगा, तो आप अपने फाउंडेशन को कुछ इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से आपने इसे अपने फेस पे, नोज़ पे, नेक पे, ईयर, सब जगह अच्छे से लगा लेना है। एंड वेट ब्लेंडर, ड्राई कभी भी यूज़ नहीं करना है। अपने ब्लेंडर को अच्छे से वेट करके, स्क्वीज करके, देन आप उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ कंसीलर। और कंसीलर के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैक कंसीलर। इसमें आपको कंसीलर भी और साथ में पफ भी मिलता है। ये है इसका पफ, सो आप इसको ब्लेंड करने के लिए। एंड दिस साइड इज़ अ कंसीलर, सो ये फुल कवरेज कंसीलर है। अगर आप किसी वेडिंग या किसी ओकेज़न के लिए कोई कंसीलर ढूंढ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। सो हम अच्छे से कंसीलर को लगा लेंगे। पफ से यू कैन ब्लेंड इट। काफ़ी सॉफ्ट पफ है, आपको बिल्कुल भी इसको ब्लेंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको लगेगा नहीं बिल्कुल भी। बट रिमेंबर, आपने बहुत आराम आराम से ब्लेंड करना है, आप उसको रगड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। कंसीलर एंड फाउंडेशन हो गया है, अब इसको सेट कर लेते हैं। और सेट करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एन बाय बे का मेकअप कॉम्पैक्ट। इसमें SPF भी है और इसमें से पफ भी मिलता है, सो आप उसको यूज़ करके लगा सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि आप अपना ब्रश ही यूज़ करें। सो मैं यहाँ पफ यूज़ कर रही हूँ। पाउडर आपको बहुत अच्छा सा एक मैट फिनिश देता है, और इसमें हल्के हल्के से शिमर भी हैं, सो आपकी स्किन को अच्छा सा शाइनी इफेक्ट भी देते हैं। सो अच्छा है। नेवर फॉरगेट योर नेक एंड ईयर गाइस, नेवर एवर। नाउ टर्न टू आईज। और मैं अपनी आईज को आज रेडिश और ब्लैकिश सा लुक देने वाली हूँ। सो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ द जैकलीन हिल पैलेट। इसमें काफ़ी सारे शेड्स हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल शेड्स हैं गाइस।
यू कैन सी दैट आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे शेड मिल जाते हैं. सो मैं इसमें से एक लाइट ब्राउन शेड लेके फर्स्ट मैं अपनी क्रीज को डिफाइन करूँगी. सो मैंने एक फ्लफी सा ब्रश लिया है, काफ़ी पिगमेंटेड है गाइस. एक बार में आपको यू कैन सी दैट एक बार में आपको इतना अच्छा सा कवरेज देते हैं ना, आपको बार बार उसको डैप करके बार बार यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. हमने इसको सीमलेसली ब्लेंड करना है ताकि अजीब ना लगे. अगर ये आपके आईलेट भी लगता है तो इट्स ओके, हमने उसको ठीक कर लेना है. सो क्रीज हमारी डिफाइन हो गई है. नेक्स्ट मैं इसमें से एक रेड कलर लेके अपनी लिड पे लगाऊंगी. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस रेड कलर. अपने बहुत लाइट हैंड से इसको लगाना है, बहुत आस्ते बहुत कम प्रोडक्ट लेंगे और आस्ते आस्ते उसको यूज करेंगे. एक बार में बहुत सारा लेके नहीं लगाएंगे, अदरवाइज आपकी आई मेकअप ख़राब हो सकता है. आपने अपने हाफ लिड पे ही लगाना है, पूरे पे नहीं जाएंगे. सेम विद नेक्स्ट आई. इनर वे में हमने रेड लगाया है, आउटर वे में हम ब्लैक लगाएंगे. सो मैं ब्लैक लेके आपने ज़्यादा नहीं लेना, बस हल्का सा एक ही बार लेके उसको जस्ट ब्लेंड एक बार डैप करेंगे एंड बहुत लाइट एकदम आराम से जस्ट डैप करना है जस्ट. हम इसको एज अ लाइनर ड्रॉ करेंगे. कोई जल्दी नहीं है, बहुत आराम आराम से यूज़ करना है. मैंने ब्लैक और रेड कलर को अच्छे से अपनी लिड पे लगा लिया है. आप एक फ्रेश ब्रश लेके आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि कोई हार्श लाइन ना हो, जस्ट ब्लेंडेड. स्मोकी लुक देगा आपको, बहुत अच्छा सा ब्लैकिश रेडिश सा स्मोकी लुक एंड इट्स लुकिंग क्वाइट गुड. नेक्स्ट अपनी आईज को थोड़ा सा शिमरी बनाने के लिए मैं अपने कंसीलर को अपने फिंगर्स में लूँगी थोड़ा सा एंड मैं इसको अपने सेंटर आईलिड में प्रेस करूँगी, जस्ट सेंटर. कंसीलर लगाने के बाद मेरे पास यहाँ लूज शिमर है और मैं इसको अपने आईज में लगाने वाली हूँ. सो हमारी आईज बहुत खूबसूरत लगेंगी और बहुत शाइन भी करेंगी. लूज शिमर है सो बीइंग वेरी वेरी केयरफुल आपने बहुत हल्का सा जस्ट हल्का सा लेना है एंड जस्ट प्रेस इट. बहुत आराम आराम से लान जाना है और अपने आईलिड के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना है, बहुत आराम आराम से लगाएंगे. लग रही है हमारे कितनी खूबसूरत कितनी ब्यूटीफुल लग रही है. सो आईज़ हो गई हमारी डन एंड यू कैन सी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है. सो अगर आप बिगनर हैं और आप इसमें आई मेकअप को कर रहे हैं तो आप प्लीज़ पहले अपना आई मेकअप करें उसके बाद अपने फेस पे जाएं, बिकॉज थोड़ा सा फॉल होता है तो आपकी फेस आपका मेकअप हल्का सा ख़राब हो सकता है. जैसे मेरे फेस पर हल्का सा लग गया, सो जस्ट मैं थोड़ा सा उसको क्लीन कर दूँगी. नेक्स्ट इज़ मस्कारा. मस्कारे के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे आइकॉनिक कर्लिंग मस्कारा. काफ़ी अच्छा मस्कारा है, आपके लैशेस को काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है और इसका ब्रश ऐसे कर्व बना हुआ है सो इससे आपकी लैशेस और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है. आपने भी ज़्यादा हार्ड मस्कारे की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें फॉल्सेस लगाने वाले हैं. अगर आप फॉल्सेस यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आप इसको इसकी दो तीन कोट लगाएं तो फिर यू आर डन, आपको फॉल्सेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली. नेक्स्ट इज़ आईब्रो. और आईब्रो के लिए अब मैं अपने सेम पैलेट में से एक ब्राउन शेड लेके अपनी आईज अपने ब्रोज को फिल कर लूँगी. और मैंने ब्रोज के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं
एक छोटा सा ब्रश है और आई थिंक ये ट्राइंगल टाइप का है, आप देख सकते हैं। सो मैं एक डार्क ब्राउन शेड लेके एंड मैं अपनी आईज को फिल कर लूँगी। हमेशा सेंटर से यूज़ करें, कभी भी फ्रंट से यूज़ ना करें। आई एम डन विद माई फॉल्सीज, मैंने फॉल्सीज लगा लिए हैं। नेक्स्ट इज काजल, और हमें एक थिक काजल लाइन, हम एक थिक काजल ड्रॉ करने वाले हैं। सो हमने काजल लगा लिया है, हम थोड़ा सा स्मोक आउट कर लेते हैं, और मैं एक छोटा सा ब्रश लेके जस्ट अपने काजल को स्मोक आउट करूँगी। स्मोक आपने वहीं करना है, आप आगे पीछे नहीं करेंगे आइस को, अदरवाइज वो ख़राब हो सकता है। सो हमारे आइस स्मोक हो गई है, आवर आइज इज ऑलमोस्ट डन। नेक्स्ट इज ब्लश, और मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी बेक्ड ब्लश विद हाइलाइटर। ये ब्लश भी है और हाइलाइटर भी, इसमें आपको ब्लश भी मिलता है। आप इसको ब्लश के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको आप हाइलाइटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसमें शिमर भी है, आपको बहुत ब्यूटीफुल सा, बहुत प्रिटी सा शिमर देता है। अगर आप डे टाइम के लिए शिमर यूज़ कर ब्लश यूज़ कर रहे हैं, सो आप लाइट पिंक यूज़ कर सकते हैं। अगर नाइट टाइम के लिए, सो आप डार्क कलर पिंक यूज़ कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल सा ब्लश है, आपकी स्किन को इतना अच्छा सा ब्लश देता है, साथ में शिमर भी देता है और हाइलाइटर भी है। सो आप डेफिनेटली आप उसको एक बार यूज़ करें। और मेरा शेड है 03, ब्लश हो गया है, अब इसमें सब हाइलाइटर यूज़ करते हैं। और हाँ, अगर आपके पास हाइलाइटर का ब्लश नहीं है तो आप जस्ट आपको क्या करना है, अपने ब्रश को आप यहाँ से ऐसे करेंगे, ये इट्स ये आपका हाइलाइटर से ब्रश बन जाएगा एंड जस्ट लग जाता है आपका हाइलाइटर। सो अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। हाइलाइटर एंड ब्रश डन। सो मैंने एक छोटा सा ब्रश लिया है और मैं इसको अपने आईब्रोज को भी हाईलाइट करूँगी। सो इनर कॉर्नर को मैं अपने फिंगर से ही अपने आईज की इनर कॉर्नर में हाइलाइटर लगाते हैं ना, तो आपकी स्किन और ज़्यादा, आपकी आईज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाती हैं। सो आप देख सकते हैं और भी कितनी कितनी ब्यूटी लग रही है। लास्ट इज लिपस्टिक, और मैं यहाँ लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ मैट क्वीन। इट्स आर ब्यूटीफुल रेड कलर गाइज, और बहुत बहुत रेडिश है, मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। मैंने अपने लिप को एक ब्यूटीफुल से रेड कलर के साथ कंप्लीट किया, देख सकते कितना प्यारा, कितना प्रिटी सा रेड कलर है गाइज, आई जस्ट लव्ड इट। मैं अपने नोज़ पर हाइलाइटर लगाना भूल ही गई लिपस्टिक की एक्साइटमेंट में, सो मैं अपने नोज़ को भी हाईलाइट कर लेती हूँ। नाउ इट्स कम्प्लीट, हमने इतनी मेहनत से अपना मेकअप किया है, हमें सेट कर लेते हैं, अदरवाइज सारा फॉल आउट हो जाएगा। सो सेटिंग के लिए मैं अपने फेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन फिक्सर। जस्ट एंड जस्ट डैबिट, एक्सेस मेकअप निकल जाएगा, आपके मेकअप को अच्छे से सेट कर देगा काफ़ी वक्त के लिए। और ब्लू हेवन का सेटिंग स्प्रे काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी टाइम तक आपके मेकअप को इतना अच्छा रखता है ना। तो गाइज, दिस इज माई फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।